गुरबते ये फासले। रहीम क्या सो गया पुत्र? जी माँ जी। और तू? मैं भी सोने गई थी, आपका कमरा देखा तो आप वहाँ पे नहीं थी, आपको तलाश करती करती यहाँ बाहर आ गई। ना माँ सही ना, बाबा मेरे साथ साथ तू भी रहीम शाह को अच्छी तरह जानती है। रहीम शाह अपना सिर कटा सकता है लेकिन शेरबानों पे कभी आंच नहीं आने देगा। भाई एक मशवरा दूं, वो भी मुफ्त। ये शोर शराबा बंद करो। अब एक महीना और मिला है बदनसीबी को टलने के लिए। एक महीना और देखना पड़ेगी परेशानी हमें। फैसले की घड़ी टली है शेरबानो, मिटी नहीं। रहीम शाह पुत्र, सुन तुझसे एक बात करनी है। बोल माँ। वो अगर तो इजाजत दे तो। माँ मैं इस घर का बड़ा बेटा जरूर हूँ मगर माँ के फैसलों के आगे मैंने हमेशा सर झुकाया। मगर ये बात पामी मशवरे से आके चलाना चाहती हूँ पुत्र। तो फिर बोल माँ क्या बात। पुत्र आरज़ू का रिश्ता कहीं और करते। माँ तो भूल रही है कि तेरे बेटे की जबान की कसम दुनिया देती है। अगर हालात ने दो घरों के दरमियान दुश्मनी की ये दीवार खड़ी कर दी है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी जबान से फिर जाएं। आरजू काशिफ की मंगेतर है मां, और अगर मेरी जिंदगी ना भी रही ना तो आरजू काशिफ शाह की अमानत रहेगी। पर पुत्र दुश्मनी जिस मकाम तक पहुंच गई है उसके बावजूद भी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वो दिन 40वां गुजरने के बाद जब मैं शेरबानो को लेने काशिफ शाह के घर गया। तुझे याद है ना शेरबानो वो दिन? क्या लेने आया यहाँ रहीम शाह? मैं तो तेरे भाई की दुआ में भी शरीक होना चाहता था लेकिन ये सोच कर कदम रोक लिए कि तेरा गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। पर तू क्या समझता इंतकाम की आग
40 दिनों में ठंडी हो जाती है, वो भी बिना बतला लिए। काशिफ शाह, ये मत भूल कि हम रिश्तेदार भी हैं। और शरीकदारी में जो दुश्मनी की दीवार तेरे भाई ने खड़ी की है, उसने सब रिश्तों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। देख काशिफ शाह, जज्बात इंसान को अंधा कर देते हैं। ना ना रहीम शाह, अंधा नहीं बाबा, अंधा नहीं, इंतकाम आंखें खोल देता है इंसानों की। तू बता क्या लेने आया यहाँ पे? मैं शेरबानो को लेने आया। अब भूल जा बाबा, भूल जा, शेरबानो अब तेरे साथ नहीं जाएगी, उस घर में नहीं जाएगी जिस घर की विरासत का एक वारिस उसके अपने भाई का कातिल हो। मैं शेरबानो से मिलना चाहता हूँ। मेल मिलाप से नफरत की जमीन में जो मोहब्बत का बीज बोना चाहता है ना तू, वो दुश्मनी की इस बंजर जमीन में कभी हरा नहीं होगा। चल जा, शकल गुम कर यहां से। और एक गल याद रखी, अब शेरबानो ना तो तुझे कभी मिलेगी, ना तेरे साथ तेरे घर जाएगी। नहीं भाई नहीं, मैं जाऊंगी अपने ससुराल। ये तू क्या कह रही है शेरबानो? औरत को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाते हो तुम लोग? कत्ल शाहजी के भाई ने किया और मुजरिम ये हो गए तुम्हारी नजर में, क्यों? क्योंकि ये मदद करता है उसकी। तुम भी तो अपने भाई की मदद कर रहे हो जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम भी तो अपने सीने में बदले की आग को जलाए रखते हो। जरा सोचो भाई, अगर एक से गलती हुई तो वही गलती दूसरा क्यों करे? ये गलती नहीं, बदला है शेरबानो, बदला। और तू इसके साथ जाके अपने भाई को कमजोर ना कर। भूल जा बाबा, भूल जा, इसके साथ अपनी रिश्तेदारी को खत्म कर दे। ताकि दुश्मनी की आंधी दोनों खानदानों को खत्म कर दे? नहीं भाई नहीं, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, बल्कि इसको और मजबूत बनाऊंगी ताकि दुश्मनी की आग ठंडी हो जाए। एक बात और भाई, रिश्तेदारी मान बढ़ाती है, जान नहीं लेती। अपनी बहन को एक भाई बनकर रुखसत कर। चलिए शाहजी, जी
जुर्म कोई करे और सजा किसी को मिले, बड़ा जुल्म है ये। ये बात मुझे शेरबानों ने सिखाई थी। मगर पुत्र, साल गुजर गया, उनकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। अभी तो काशिफ शाह को होश ही नहीं आया, तो वो बेचारा पैगाम क्या भेजेगा। देख सोच ले पुत्र, मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से ये रिश्ता रहेगा। मैं फिर कहती हूँ शाह जी, मुझे एक बार बात कर लेने दे। बड़ा मान है तुझे अपने भाई पर कि वो तेरे कहते ही तेरी बात मान लेगा। उसने आज तक मेरा कहा मोड़ा नहीं है शाह जी। मगर इस बार तेरे कहे का मान नहीं रखेगा वो। फिर भी अगर तू बाजिद है तो जा, मगर उसे कभी ये एहसास ना होने देना कि मैंने तुझे भेजा है, बल्कि उसे बताना कि तू अपनी मर्जी से आई है। और ये भी बताना उसे कि रहीम शाह औरतों की मदद से कोई जंग नहीं लड़ता। जी शाह जी। जा। तेरा इंतकाम में तड़पना मुझे अच्छा नहीं लगता काशिफ शाह। तो क्या करूं बाबा, कानून की कह तोड़ के उसे अपने हाथों से मार दूं। वैसे ये तेरे बस से बाहर भी नहीं, और जो कुछ बस में हो उसे इस्तेमाल ना किया जाए, यही अकलमंदी होती है। अपनी ताकत को इस्तेमाल ना करना अकलमंदी नहीं, बुजदिली होती है काशिफ शाह, बुजदिली। और ना रहीम शाह बुजदिल है, ना काशिफ शाह की ताकत दुश्मन से काट है। अगर मैं बेबस बैठा हूं तो
तो रहीम शाह भी अपने बस को बेबसी की कैद में कैद किए बैठा है। रहीम शाह की खामोशी को उसकी बुजदली ना समझे। मुझे लग रहा है कि उसकी बेबसी बहुत बड़े बस के साथ सामने आने वाली है। औरत है ना, छोटी सोच रखती है, जानती नहीं हम मर्दों को, पहचानती नहीं है मर्दों के यराने को, उनकी दुश्मनी को। बाबा हम एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा के एक दूसरे की आंख में आंख डालते हैं। अगर मैं इंतकाम का सूरज हूं तो रहीम शाह बादल है। बिजली की कड़क बादलों के सीने चीर देती है काशिफ शाह। ओ बाबा यहाँ बात रहीम शाह के सीने को चीरने की नहीं है, उसके सीने में भाई का दुख पहचाने की है। मैं देख रही हूँ पिछले एक साल से दुख तुझे ही खाई जा रहा है। एक गल मेरी याद रखी ना बाबा, जिसमें बर्दाश्त होती है ना, अलासा इन दुख सुख की बाट भी उसी इंसान के नसीब में लिखता है। ये बिजली फैल चली गई बाबा, एक तो मैं इस बिजली की आंख बचोरे से तंग आ गया। वैसे ये अंधेरा भी कितना अच्छा लगता है काशिफ शाह। इंसान अंधेरे में एक दूसरे को देख तो नहीं सकता, पर दिल की धड़कन हाले दिल सुना देती है। अब सामने वाले के कान ना ठीक हो तो बदनसीबी है। सोनाराने, मैं पिस्तौल की गोली अभी तक चली नहीं है। अगर तूने अपने दिमाग की सोच को ठीक ना न किया तो छह गोलियां तेरी खोपड़ी में उठा दूंगा। चल चल छकर गुम कर। इसका मतलब है अंधेरे में भी तुझे मेरी शक्ल नजर आती है, पर समझता नहीं है तू। काशिफ शाह की आंख की हया को अंधेरा भी बेहयाई का सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं कर सकता है। जा चले जा, इससे पहले कि काशिफ शाह की खोपड़ी घूमे और तुझे दुनिया घूमती नजर आए, जा शक्ल घूम कर अपनी निकाल। कौन है बाबा? मैं हूं भाई शेरबानो। शेरबानो बाबा खैर तो है? तू रात के इसमें समझाया था मैंने तुझे कि ना जा उनके घर, वो तुझे हथियार बना के काशिफ शाह की कमजोरी बनाएंगे। मना किया था बाबा तुझे मैंने? तू गलत समझा है भाई, मुझे शाहजी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूं। खैर बाबा, अगर भाई से इतना ही दिल जा रहा था मिलने को तो बाबा दिन के चानन में आते, रात के इस पहर में आने की क्या जरूरत थी? वो भाई शाह जी की परेशानी देखे ले जाती मुझसे। बाबा अभी थोड़ी देर पहले अम्मा साई भी यही कह रहे थे कि काशी शाह बाबा तेरी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। जब हर तरफ परेशानी है तो इसे हल क्यों नहीं कर देते?
बवाल बताया है तेरे तेरे शाह को मैंने हल बताया है इसका। आप जानते हैं कि शाह जी अपने भाई से कितना प्यार करते हैं। बाबा तेरा शाह भी जानता है कि काशी शाह को भी अपने भाई से कितना प्यार था और कितना प्यार है। रिश्तों को भुलाया नहीं जाता, ये जानती हूं मैं, मगर ये भी तो सोच भाई, जिंदा रिश्तों को परेशान करना अच्छा नहीं। बाबा जो खुद परेशानी के कफन में लिपटा वो किसी को क्या सुकून देगा। भाई इंतकाम से निकलकर सोच, वो कभी तेरे दोस्त थे, हर बात को इसलिए भूल जा कि आज तेरे पास तेरी बहन आई है अपने ससुराल का सुख लेने। ना शेरबानो ना, बाबा ना कर, तेरा भाई तेरे मान पे अपने इंतकाम को कुर्बान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मगर भाई बस बस शेर बनो बस, दोबारा कह के अपने भाई को शर्मिंदा ना कर। अगर बहन बनकर बैठना है तो सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर रहीम शाह की बीवी बनकर जाना चाहती है तो बाबा इस घर में तुझे कोई नहीं रोकेगा। चल चली जा। काशिफ शाह, तूने अपनी बहन को इनकार करके मेरे दिल में खुशियों के अनार जला दिए। रहीम शाह, तेरे से जुड़ा हुआ अपनी बहन का रिश्ता तोड़ देगा और मेरे ख्वाबों की तबीर के रास्ते खुल जाएंगे। शेरबानो, लगता है आज सारा शहर अंधेरे में डूब गया है। जा तू भी मुंह हाथ धो ले ताकि तेरी आंख में आया मां का दुख पानी में बह जाए।
जिन्हें वो मार रहे थे। लगी तो आ गया। कौन आ गया? मामा जी ख्वाब आ गया। अच्छा, अब जल्दी से अपने ख्वाब में आने वाले शहजादे का नाम बता दे मेरा बच्चा। मामा जी, ख्वाब में शहजादा नहीं, एक एक कहानी देखी है मैंने। एक कहानियां किताबों में होती हैं उधर। ये कहानी भी किसी किताब के सफे का हिस्सा है मामा जी, जिसने मुझे परेशान कर दिया। वो परेशान हो तेरे दुश्मन पुत्र। दुश्मन भी थे ख्वाब में मामा जी। दुश्मन? तुमने तो मुझे डराना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी बता, क्या देखा है ख्वाब में? ख्वाब में एक एक मजलूम औरत, एक मजलूम मर्द, कुछ असला और एक बच्ची। फिर गोलियां चली तो मेरी आंख खुल गई मामा जी। किसने चलाई थी वो गोलियां? उनके चेहरे भी तो साफ दिखाई नहीं दिए। ख्वाबों की कोई शक्ल नहीं होती पुत्र, और तूने कोई टीवी पे कोई फिल्म देख ली होगी, बस वही तेरे जेहन में आ गया। ये ना तो कोई ख्याल है, ना ही कोई ख्वाब। ये ख्वाब एक यकीन को मेरे दिमाग में लेकर आया है। मुझे लगता है कि इसका मेरी जिंदगी से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। अब उधर वो ख्वाबों पे भरोसा करने वाले आँख खुलने पर उसकी ताबीर ढूंढते हैं, पर ख्वाब सच से बिछड़ी हुई वो उम्मीद होती है जिसके सहारे जिंदगी गुजारने वाला सुख की नींद नहीं सोता। तू जा मेरा बेटा, जा मेरा पुत्र, आराम कर जाके, जा ना मेरा सोना, जा। मामा जी, आपने मुझे पाला है ये तो बताया है, लेकिन मैं लावारिस कहां से मिली थी ये आपने मुझे कभी नहीं बताया। जो छोड़ने आते हैं उनके तो अपने ठिकाने का पता नहीं होता मेरा पुत्र। तू जा, जाके आराम कर, जा मेरा पुत्र, जाके सो जा। शाबाश, जल्दी ना हो तो ना मेरा प्यारा बच्चा। चल शाबाश शाबाश, जा जा शाबाश। जा ना मेरा पुत्र, खड़ी क्या है, सो जा जाके।
जा मेरा सोना जा। जिस कहानी को मैंने अपने सीने की कब्र में दफन किया था वो इस ख्वाब बनकर कैसे आ गई? आदमी मुझे देख रहा है या मेरे दिल का चोर मुझे नजर चुराने पे मजबूर कर रहा है? मिस्टर नागर श्याम, आ चल, आप अंदर जाएं। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। मेहरबानी। शुक्रिया। काफी दिनों बाद चेकअप करवा लाया था बच्चा। अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं, दिन तो आजकल घंटों की तरह गुजर रहे हैं। आज भी अचानक बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि चलो डॉक्टर साहब से चल के पता करें कोई आफात और हुआ है कि नहीं। अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, मेरी जान निकाल दिया आपने। आप पैनिक लगाए प्लीज। अरे मेरे अल्लाह, ये तो ऐसे हुआ है जैसे आपने सुई चबो दी हो डॉक्टर साहब मेरी आंखों में। देखे मिस्टर खाबर शाह, जब आपको ब्रेन हेमरेज हुआ था। ओहो बाबा, उस बुरे वक्त को क्यों याद करते हो डॉक्टर साहब? क्योंकि आपकी आईज का मसला ब्रेन के उसी ऑपरेशन की वजह से हुआ है। एक आंख तो तकरीबन डैमेज है और दूसरी आंख के टिश्यू भी काफी कमजोर हो चुके हैं, इसलिए आपके लिए यही बेहतर होगा कि अपनी आंखों को रोशनी से बचाएं। हाँ, रात को सोते वक्त आप ऐनक उतार सकते हैं। शाबाश है डॉक्टर साहब। और अगर रात को किसी ने शरारत में बत्ती जला दी तो आप आंखों पर काली पट्टी बांध कर सोए। अरे ना बाबा ना, काली पट्टी एक दफा बांधी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई अगवा करके ले जा रहा हो। ये ऐनक ही ठीक है। वैसे भी कहते हैं कि दिल का राज आंखों में नजर आता है। ना कोई आंखों में देखेगा ना राज तक पहुंचेगा। जी घबराए नहीं डॉक्टर साहब, नहीं लेता वापस, नहीं लेता। अल्लाह मिस्टर राशिद, आप अंदर जाइए। ये तो अंधा था, ऐसे ही कंधे से डरता था।
नौकरों को मालिकों की आवाज पर उठने की आदत होती है। मैं नुमाना आवाज भी नहीं दे सकता कि कहीं ऐशा बेगम की आंख ना खुल जाए। कहते हैं कि खूबसूरत नौकरानी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे बेचारे मालिकों को आगे पीछे इधर उधर ऊपर तक चढ़ने की जरूरत पेश आती है। चल भाई खाओ। और शुक्र है तू उठ गई है। ये कमीज इस्त्री कर दे। ऐसी काली कमीज तो आपने पहन रखी है। मगर ये वाली तो नहीं है ना। तू नहीं समझेगी भाई, जैसे बीवी होती है तो बीवी तो बीवी होती है ना, महबूबा तो नहीं होती ना। बाज आ जाए साहब जी अपने हाथों से। कसम है मुझे इस दिल की जिसमें अब तू रहने लगी है। कोशिश तो बहुत करता हूँ कि बाद आ जाऊं, पर मेरी कोशिश मेरी नियत के आगे हार जाती है। हम नाइस बचपन की वो कभी तक सवाल भी रखती है। ऑफ कोर्स यार, इंसान की जिंदगी भी क्या है, सोचता कुछ है और होता कुछ है। नहीं यही बेबसी यही नाकामी इंसानों को खुदा के होने का एहसास दिलाती है। जैसे हजरत अली का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने पर रब को भेजा। हाँ ट्रू, लेकिन फिर भी इंसान कल की बात करता है, फ्यूचर को कैसे बनाएगा, बस यही तो फर्क है। हालांकि सब कुछ इतना अनसर्टेन है, नहीं? हाँ एग्जैक्टली, यू आर राइट। मेरे ख्याल से यही सोच हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दिलाती है। लेकिन प्रिया, कभी कभी सुनहरे कल की याद हमारे आज को अंधेरा में ले जाती है। कितनी बार सोचते हैं यार? हाँ कॉफी आइसक्रीम। ओके डन। ये फासले रवां दबां ही रहते हैं, नहीं रुकते ये दिल के काफले। पतझड़ हो गया है मौसम बहार का, कैसे पता ना चला हमें अगयार का। वहमो गुमा में कभी ऐसा नहीं था, जो कुछ सोचा था वैसा नहीं था। क्या खो लिया क्या पा लिया, क्या क्या पा लिया ये कुर्बतें ये फासले रवां दवां ही रहते हैं।